तो गाइज अभी ना मैं यहाँ पर इनको दाना डाल रही थी और एक कबूतर अंदर से बाहर निकला और वो ऊपर हवा में उड़ गया। क्या लगता है आएगा? किधर है वो? किसी और के उड़ रहे हैं, हमारे नहीं है वो। वो इधर उड़ रहा था कहीं, वो क्या शायद वो उस तरफ है कहीं, पता नहीं। कबूतर उड़ा दिया हम लोगों ने, एक और दो कबूतर उड़ा दिए कल के। कल वाला जो था ना उसका टेस्ट कर रहे थे कि शायद वो जो है ना खुद ही आ जाएगा घर वापस, बट वो खुद वापस नहीं आया। और आज मैं इनको अंदर कर रही थी चूजों को और वो जो है ना बाहर निकल गया। देख लेते शायद आ जाए, नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं। चूजों की वजह से ना एक कबूतर उड़ गया हमारा, इनको बड़ी मुश्किल से सबको अंदर, क्या अंदर ही नहीं थे आ रही ये। चलो अभी अंदर यहाँ पर दाना खाओ है। वो पता नहीं किस कलर का था, ये भी नहीं पता, नजर ही नहीं आया कि वो है किस तरह का था, किधर को गया है किधर को नहीं गया। हालांकि मैं सामने ही खड़ी थी, मेरे सामने से ही गुजर के गया वो। आई थिंक तो कि वो कोई अच्छा खास वो वाला है, वो सामने एक उड़ तो रहा है, अभी पता नहीं वो इस तरफ आता है कि नहीं है। तो हमारी छत के ऊपर ही उड़ रहा है वो, ये ही है ये होता ना दूसरा हाथी जो ने घर बैठे तो तीन पाले आज पूरा लोड कुंभ के आया था आ जाए वापस बस। और आज धूप निकली थी, मम्मा ने सोचा कि चलो कपड़े धो लेते। मैं सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं थी बना रही, मैंने कहा कपड़े सूखते हैं ना फिर कपड़े उठा कर ना यहाँ से फिर ब्लॉग बनाएंगे, मगर कपड़े अभी जो है ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो गीले कपड़े ही बस इधर पड़े हुए हैं। तू कबूतर की तरफ ध्यान दे नलप्पा। और बिरू के जो है ना एग्जाम्स आने वाले हैं। हाय बिरू, तैयारी है या कख नहीं है? बिरू तैयारी है पेपर्स की? तो इसके जो है ना पेपर है मैट्रिक के, बड़ी जल्दी आ गए, पता भी नहीं चला कब इसका 9th का रिजल्ट आया था है। इसने झूठ बोला था हमसे कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। इसको रात को जो है ना उठा उठा के कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मगर ये टस से मस नहीं होता। इसको ना मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है, जिसे मैंने पकड़ लिया ना जूता फिर इसको पता चलेगा मेरा। अभी तो ये मुझे सीरियसली ना ले रहा, मैं कहती हूँ कि बड़ा हो गया कदम उससे लंबा होगा, शायद खुद ही अकल आ जाएगी, बट नहीं आई इसको। खैर बिरू बिस्ती करा के नीचे चला गया, हम लोग जो है थोड़ी देर और अपने पिजन का इंतज़ार कर लेते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए, और अगर नहीं होगा तो खैर कोई नहीं, हमें अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है कबूतर उड़ाने की। एक कबूतर उड़ गया एक और, कल के दो कबूतर उड़ा दिए, वो भी सही नस्ली कबूतर, जो कल एक उड़ाया था ना वो बाबा ने टेस्ट करने के लिए उड़ाया कि शायद ये घर वापस आ जाए। तो बाबा मुझे कहते कि शाम को जब आप ऊपर जाना ना तो देख लेना कि ऊपर शायद पिजन आया तो नहीं हुआ। मैंने कहा बाबा जी कोई पिजन नहीं ऊपर आया हुआ। तो अभी जो है ना अभी भी जो है ना सही असली कबूतर जो है ना वो उड़ा है, और उसको फीदर नहीं थे कटे हुए मेरा ख्याल है, इसलिए वो इतनी ऊपर ऊपर उड़ रहा है, नहीं तो फीदर कटे होते तो नहीं था उड़ना उसने इतनी ज़्यादा। लेट्स सी कबूतर आता है कि नहीं आता। तो गाइस टर्की बर्ड वहां पर हमारे सामने बैठ के अंडा दे रही है, वो देख उसने अंडा दे दिया और मुर्गी का आई। तो गाइस आज टर्की बर्ड ने लाइव अंडा दिया, लाइव ये देखिए आपके सामने उसने भी अंडा दिया। बेचारी बहुत ज्यादा बोल रही थी, शोर कर रही थी, बट अब उसने जब अंडा दे दिया तो थोड़ी सी वो रिलैक्स हो गई है। मैं उसको तो केज में बंद करने लगी थी बट वो यहीं पर ना उसने अंडा दे रहे, मैंने कहा चलो यहीं पर तुम दे लो भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग हम लोग करते हैं जी स्टार्ट। और अभी जो है ना मैं नीचे से नाश्ता वगैरह करके तो अभी ऊपर आई हूँ, तो मैं देखने आई हूँ कि हमारा जो आज सुबह कबूतर उड़ा है उसके कहीं बच्चे तो नहीं थे अंदर केज में, ये ना हो बाद में पता चले कि उसके तो बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो फिर देख लेते हैं ना ये ना उनको फीड वगैरह कराने पड़ जाए हैं। और साथ में वहाँ पर अंदर जो हमारे पिजन ने अंडे दिए हैं ना उसके पास नेस्टिंग मटेरियल थोड़ा सा रखा तो वो भी रखते हैं। और आज माशाल्लाह से धूप इतनी प्यारी निकली हुई है ना कि पता ही नहीं चल रहा कि कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा सर्दी थी और आज तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी धूप निकली है, सही कड़क धूप निकली हुई है।
तो चलो जल्दी से अभी अंदर चलते हैं और टेस्टिंग मटेरियल रखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पिजन आज उड़ के गया है वो कौन सा था। ठीक है चलो आ जाओ। और चूजे जो है ना वो सारे यहाँ पर देखो जमा हो गए हैं और इन्होंने दाना खत्म कर लिया इतनी जल्दी। चलो शाबाश अंदर अंदर चलो यार। ये देखेंगे ये सारे यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। इनको उस टाइम बंद अंदर कर रही थी जिसकी वजह से कबूतर जो है ना वो उड़ गया था। चलो अंदर। और अंदर आज काफी ज्यादा ना हीट यानी कि धूप की गर्माहट जो है ना वो अंदर केज में भी आई हुई है। धूप तो इतनी खैर नहीं है, अंदर धूप नहीं आ रही है मगर हीट है अंदर। तो हाँ भाई ये तो सारे केज में है, ये तो बंद है, यहाँ से भी जो है ना वो बंद है। अभी बाहर जो है ना वो एक वहाँ पर है हमारा पेयर जिसने बच्चे दिए हैं और एक वहाँ पर है। अभी इन दोनों की टेंशन है कि इनमें से कौन सा पेयर था जिसके जो उड़ के गया हमारा। ये देखेंगे गाइस कोई भी ना किसी और के पेयर के सामने यानी कि खड़ा नहीं होता है पिजन, वो वहाँ पर खड़ा है इसका मतलब है ये पेयर जो है ना उसके यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो अकेले हैं। ये ना हो कि इस इन बच्चों का तो नहीं कोई पापा मम्मा उड़ गई हूँ हैं। क्या ख्याल है? मैं एक मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ कि हमारे जो से इन बच्चों की जो मम्मा है या पापा है वो किस तरह के दिखते हैं, फिर पता चल जाएगा, आइडिया ज़रा हो जाएगा हमें। ठीक है गाइस मैं अभी यहाँ पर आके ना मैंने रिकॉर्डिंग चेक करनी थी कि मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ क्योंकि यहाँ से सिग्नल ऊपर आ रहे थे और मेरी नज़र बिल्कुल सामने पड़ी है वो वहाँ पर टैंकी के ऊपर ना एक पिजन बैठा हुआ। आई थिंक सो कि ये वही पिजन है जिसके अंदर बच्चे पड़े हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। तो हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों को ना फटाफट से इधर लेकर आते हैं और देखते हैं कि वो कबूतर जो है ना इधर आता है कि नहीं आता। ठीक है चलो भाई आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, दरवाज़ा खोल लें चूज़ो। अभी तुम लोग ना मुझे बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है ना। हम लोग बस चेक करने लगे हैं कि वो बच्चे जो है ना वो किसके हैं और वो जो पिजन है यानी कि वो हमारा अपना है कि नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं पूरी क्रेट जो है ना उठा के ले जाते हैं साइड पर। तो शाबाश आ जाओ भैया आ जाओ ताकि उसको पता चल जाए कि मेरी क्रेट कौन सी है और कौन सी नहीं। चले चूजों को भी आने देते हैं और ये क्रेट जो है ना इसको थोड़ा सा उठा के मैं ये इधर रखती हूँ ना वो हमारा पिजन वो उधर है, वो बस अपने बच्चों की तरफ एक दफ़ा देख ले फिर वो आ जाएगा अगर वो उसके हुए तो। ठीक है लेट्स सी आई होप सो कि वो पिजन जो है ना हमारा ही हो। पता नहीं उसको यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। भाई आ जाओ इधर इधर देख लो एक दफ़ा। खैर हमारे जो चूज़े हैं और हमारे जो पिजन के बच्चे हैं ना वो मैंने इधर रखे हैं। चूज़े बाहर निकल गए नहीं थे कैद हो रहे मुझसे ना। पिजन ना वो सामने जो टैंकी है ना वहाँ पर है, वहाँ पर ना आसपास कहीं घूम रहा है वो देखे। उसको नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे कि नहीं आ रहे। आई होप सो गाइस वो हमारा ही पिजन हो और अपने बच्चों को देख के वो इस तरफ आ जाए। आ जाओ प्लीज़। वो उधर गुलहरी है तो गुलहरी के साथ खेल रही है। वो उड़ गया, उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। पिजन जो है ना वहाँ से उड़ गया। जो पिजन के बच्चे हैं ना वो हम लोग अभी बाहर ही रखते हैं, ठीक है अभी नहीं अंदर लेके जाएंगे। तो गाइस पिजन तो वहाँ से उड़ चुका है और मैं अभी भी देख रही हूँ कि शायद वो कहीं से ना आ जाए वापस। और चूज़े जो है ना चूज़े कह रहे हैं उसके जो कबूतर के बच्चे हैं वो मैंने यहाँ पर इसी के ऊपर रख दें। आई होप सो कि उसको कहीं से नज़र आ जाए और वो जो है ना घर वापस आ जाए। ये ट्रिक जो है ना ये एक आजमाई हुई ट्रिक है कि बच्चों को देख के ना पेरेंट्स जो है ना वापस घर आ जाते हैं। अभी देखते हैं कि वो आती है कि नहीं आती। और जो चील है ना वो भी यहीं कहीं इतनी ज़्यादा फिर रही है ना ऊपर आसमानों में, आप चेक करें ज़रा। और ये तो एकदम बहुत ही करीब है, ये ना कहीं अटैक करते हैं। नहीं वहाँ पर बैठा तो था एक कबूतर, पता नहीं वो कौन सा है, उसने इस तरफ नहीं देखा। कोई बात नहीं फिर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं शायद आ जाए।
तो गाइज अभी जो मैं ना इधर बैठ गई हूँ आराम स्कूल से, मैंने कहा अगर मुझे कोई कबूतर नजर आएगा तो हम लोग पकड़ लेंगे। बच्चे भी खैर बाहर ही हैं, तो मैं और मम्मा यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं। गोंगलू पालक और जो छिलके विलके हैं ना, वो हमारी जो मुर्गियाँ ये छोटी छोटी चूजे हैं ना, वो खाना शुरू हो गए हैं। वो देखो उनकी तो उधर लड़ाई लग गई है उस पर। और कुछ मैंने मोरों को वहाँ पर पालक डाल दिया, मैंने कहा तुम लोग भी खा लो पालक है। और चूजे क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा के लेकर जा रहे हैं और केज के अंदर जाके खा रहे हैं। मम्मा खांसी कह रही है तो वो भी साथ में हंसना शुरू हो गया। और पालक है, कोई लिफ्ट नहीं, मैंने नहीं देनी फिर पालक बाद में, मोर को दे दो। ये लो मुर्गी, तुम खा लो पालक, ये लो तुम खाओ, तुम शहजादी हो, अलग खा तू। टर्की बर्ड को नहीं अभी देनी, भाई किसी को कदर ही नहीं है पालक की, है मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ तब खा नहीं रहे। खाओ खाओ, तो गाइज अभी मैं जो है ना दाना कबूतरों के अंदर डालने लगी हूँ, और हम लोग जो चूजे बाहर निकाले हैं उन सबको भी अंदर बंद करते हैं क्योंकि हवा चल रही है और अंधेरा भी होने वाला है। अभी शायद वो जो है ना कबूतर नहीं आएगा, शायद किसी ने पकड़ लिया या उन्हें चला गया। ये है आपका दाना, तो भाई हम आ गए अपने घर वापस। ठीक है चूजो, मैं इनको बार बार चूजो कह रही हूँ, ओए चूज दे तुम किधर गए हैं। और देखते हैं ब्राउनी ने दूसरा अंडा दिया कि नहीं दिया है। ब्राउनी ले, ब्राउनी भी एक को है, तुम हैचिंग कर रहे हो, सिर्फ एक एक अंडा करना है भाई, दो अंडे दे के फिर हैचिंग करो। ओ नो, आई थिंक ये इनके पेरेंट है, देखते हैं इसको फीड खिलाता है कि नहीं खिलाता। अगर इसको फीड खिला रहेगा तो फिर भाई साहब इसका मतलब है ये इसके बच्चे हैं और हमारी जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। और तब तक हम लोग ऐसा करते हैं कि ना इनको जो है ना दाना वाना डालना शुरू कर दें ताकि वो थोड़ा सा ना रिलैक्स हो, उसको ये ना लगे कि हम लोग शायद उस पर हम लोगों ने नज़र रखी है। तो गाइस मैंने यहाँ पर इनका सारा पानी और दाना जो है ना मैंने चेंज कर दिया। इसके पास बच्चे थे तो इनके पास पानी भी ख़त्म हो गए थे, दाना भी ख़त्म हो गया, मैंने दोनों चीज़ें जो है ना वो डाल दिया। और अभी हमारा एक जो हमारी टेंशन है वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई, कम हो गई है कि भाई वो जो है ना अपने बच्चों को वहाँ पर वो फीड खिला लेगी, यानी कि वो उसके बच्चे ही हैं। बट उसका जो मेल है या उनमें से एक जो है ना उसका पार्टनर वो गुम हो गया है, यानी कि वो उड़ गया है, वो बच्चों को फीड खिला रही है। चलो भाई ये तो अच्छी बात हुई, वरना मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब हम लोग उसको फीड कैसे खिलाएंगे, टेंशन होती है ना। और अभी मैं जो सारे चूजे हैं ना उनको मैं अंदर लेकर आती हूँ और इनको बंद करते हैं इस केज में। तो गाइस फाइनली मैंने इन सबको जो है ना पकड़ के इस केज के अंदर बंद कर दिया। इतना मुश्किल था ना इनको पकड़ना, आप सोच सकते हैं, नहीं आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते इनको पकड़ना कितना मुश्किल था। ये देसियों से भी ज़्यादा तेज़ है, कोई इधर को निकाले तो कोई उधर को चला जाता है। अभी देखें एक जो है ना वो बाहर निकल गए, ये तो क्योंकि मैं इलाज करनी है ना, चला इधर चलो पागल, जल्दी से लॉक लगा देते हैं, ये कपड़ा जो है ऐसे नीचे कर देते हैं। चलें भाई इनका जो है ना काम, एक काम जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अभी बाहर चलते हैं और टर्की बर्ड और मुर्गियों को भी अंदर केज में करते हैं बंद। तो को यही पकड़ी हूँ एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कल, अगर तो पिजन आ गया तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे, और अगर पिजन नहीं आया तो फिर वो जिसको मिल गया उसका हुआ। ठीक है चलो भाई, दे दिया उसको जिसको मिल गया।